नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं विनीता मिश्रा। बक्सर जिले की डाढ़ी में सातवीं कक्षा की छात्रा से गैंग रेप का मामला सामने आया है। छात्रा सुबह ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी उसी वक्त उसी गांव के तीन युवकों ने छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। 24 घंटे बाद उसी के चाचा के मवेशी के घर में छात्रा को हाथ पैर और आंख बांध कर फेंक दिया गया। सुबह जब घर वालों ने देखा तो छात्रा को घर ले गए। पूछताछ में छात्रा ने बताया कि गांव के ही तीन युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगाया। महिला थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। चल गया तो जब बोली पहले बोला उन्होंने गढ़ा में लड़की को मैंने ढुकिल मिला। हम लोग ढुकिल के कर गोड़ हाथ बांध के अब तीन घर मैंने कहने कहाँ मैंने रखल हम लोग आ रात खलिया के भूसा उस घर में गोड़ हाथ बांध के आँख बांध के हमारे में सुता दे रहा हम लोग लेकर अपने चाहे थाना में नहीं जाए चाहे सो जैसे कोई नहीं कर पाएंगे जाओ के जाए सर। कहाँ निकल रहा है कि घर से कहाँ बोल कर निकल रहा कहो तो हम ट्यूशन करे जाता ना ट्यूशन जाले दो ट्यूशन पर गोल तो हम लोग चले से कि छः बजे मैंने चल जाले हम लोग दिन भर कल जोहले बन गया चारों गो ना पता लगा सुबह सुबह 8 बजे करीब में जितना घर है मैंने वो तो वह दिन मैंने उनको दिया था हमको ये कॉल हम ले के और हाथ बांध दी होगा हमारे यहाँ सुता दी होगा। तो बक्सर में सातवीं की कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया है। हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लगातार बिहार में गैंगरेप की घटना बढ़ती जा रही है, सातवीं की कक्षा के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ अपडेट्स है, किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? जी बता दें कि यहाँ पे जिस तरह सुबह में लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है उसको उसी सिलसिले में यहाँ पे बक्सर के इटाढ़ी थाना क्षेत्र में एक सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की के साथ ही ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उसके साथ गांव के ही तीन युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की बातें सामने आ रही है, जिसको लेकर परिजन यहां पे महिला थाना में उसको लेकर के गए, जहां पे उसकी मेडिकल भी कराई गई। इस मामले में अभी पुलिस कप्तान का कहना है कि एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा और भी क्या तथ्य इसमें सामने आ रहे हैं उसका भी खुलासा किया जाएगा। जी, जो पीड़िता है, जो लड़की है, उसका क्या कुछ कहना है? उससे किसी की पहले से दुश्मनी थी, आखिर क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? जी, ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है, मगर गाँव के ही लड़की के चाचा के ही गौशाला में लड़की को बरामद हुई, जिसका हाथ पैर बांधा गया था और मुंह पे भी पट्टी से बांध दिया गया था। परिजनों का कहना है संजय, लड़की तीनों आरोपी को पहचानती है? जी जी हाँ, तीनों आरोपी का नाम बताई, जिसके आधार पर एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी दो की तलाश पुलिस कर रही है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है, बाकी दो की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? पुलिस कप्तान का कहना है कि अभी एक का गिरफ्तारी हो चुका है और दो लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी संजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर से, पुलिस अभी बैठी हुई है, आरोपी की पहचान हो गई है, बावजूद इसके आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।